हल्द्वानी के वन भुलपुरा में अवैध मदरसे और नमाज वाली जगह में होने वाली ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने देर रात दोनों भवनों को सील कर दिया है। उन्होंने बताया कि मलिक ने बगीचे में अवैध मदरसे और नमाज वाली जगह से जुड़े कागजात दिखाने के लिए कल नगर निगम में लोगों से कहा गया था कि, लेकिन उन्होंने कोई कागजात नहीं दिखाए। ऐसे में मामले की गंभीरता और लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए फिलहाल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगाई गई है। वहीं नोटिस को बारीकी से देखा जा रहा है, इसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो नगर निगम ने मलिक के बगीचे में दो स्थल थे जिसमें वो कथित एक नमाज का स्थल था और एक मदरसा था, उसमें नोटिस दिया था। और उसके उपरांत जब कल बैठक हुई थी तो दिन में इनसे पेपर मांगे गए थे, इनके द्वारा कोई भी प्रपत्र इसमें पेश नहीं किए गए थे। रात 12 बजे इन्होंने कुछ नोटिस दिखाए हैं जो माननीय न्यायालय से संबंधित हैं, इसके कारण इस दोनों भवनों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है अग्रिम आदेशों तक। और इस जो भी इनके द्वारा पेपर दिए गए हैं उसके परीक्षण के उपरांत इसमें जो भी निर्णय होगा उसके उपरांत आगे की कार्रवाई की जाएगी।